नमस्कार, स्वागत है सभी का मार्केट एंड सीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन का कमोडिटी बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, कौन सी कमोडिटी किस भाव पर खुलती हुई नजर आई है और इस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। तो एग्री कमोडिटीज के बाजार के अपडेट्स के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने चांदी किस भाव पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर सोना इस वक्त $1,747 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, लाल निशान पर है। और बात करें सिल्वर की तो सिल्वर भी लगभग 0.25% की गिरावट के साथ $22 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोना और चांदी के अंदर एक लाल निशान के साथ, उठापटक के साथ, एक नरमी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। जब बात करें घरेलू वायदा बाजार की तो घरेलू वायदा बाजार में भी सोना 43,000 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, लाल निशान पर है। और बात करें सिल्वर की तो सिल्वर 59,463 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, ₹529 की गिरावट है, यानी कि लगभग 1% की गिरावट चांदी के MCX सिल्वर पर बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट दोनों में ही सोने चांदी की कीमतों में एक लाल निशान के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। जानकार अभी लगातार ये बता रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में अभी फ्रेश एंट्री से बचना चाहिए, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाकर अभी चलना सही रहेगा। बात करें यहां से अगर कच्चे तेल की तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन एक प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आई है। हम देख रहे हैं कि WTI आज $71 पर और ब्रेंट क्रूड ऑयल $74 पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों में ही 0.1% की गिरावट बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज कच्चे तेल की कीमतों में आज एक ऊपरी स्तर से एक मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आई है और कीमतें लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रही है। बात करें यहां से अगर बेस मेटल्स की तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि MCX जिंक, निकल और लेड लाल निशान पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज बेस मेटल्स का बाजार लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जिंक 254 पर है 0.5% की गिरावट के साथ, निकल 1% की गिरावट के साथ 1456 पर और लेड 185 पर लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर कॉपर की तो आज कॉपर का बाजार काफी ज्यादा टूटता हुआ नजर आ रहा है अंतरराष्ट्रीय वायदा बाजार के अंदर। देख रहे हैं कि कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में 2% की गिरावट के साथ $4.1 पर कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। हमने आज देखा है कि आज सप्ते के पहले कारोबारी दिन जो बेस मेटल्स का जो बाजार है वो एक लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली कॉपर के अंदर जो बाजार है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है, कॉपर की कीमतें आज टूटती हुई नजर आई है। तो बीते यहां से बात करें सोने चांदी की तो बीते कारोबारी सप्ताह में देखा था कि सोने चांदी की कीमतों में एक उठापटक का दौर चालू हो गया था। दरअसल डॉलर में तेजी और फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से जो मीटिंग की जो खबरें निकल के सामने आई थी और जो बयान निकल के सामने आ रहे थे टेपरिंग को लेके और इकोनॉमिक को लेके, जिसकी वजह से हमने देखा है कि सोने चांदी की कीमतों पर इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आया है और सोने चांदी अभी भी एक लाल निशान पर गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही। नमस्कार।